और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को 255 करोड़ की लागत वाली कुल 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में स्वर्णरेखा नदी पर फोर लेन, जादूगोड़ा दूरसुंदर नगर पथ, रंकड़ी मंदिर के एलिवेटेड कॉरिडोर, टाटा नगर रेलवे स्टेशन, बड़ौदा घाट पथ, गालुडी नरसिंहपुर पथ व अन्य शामिल है। इस मौके पर मंत्री सरयू राय, सांसद विद्युत वरण महतो, सांसद रामचहल सिंह चौधरी, विधायक मेनका सरदार, विधायक रामचंद्र सईस, साधु चरण महतो के अलावा जिला परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सड़कों का जाल बिछाना सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिससे विकास की गति तेज होगी। आज इस पुल की जो शिलान्यास के अवसर पर सबसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे तत्वों से आप दूर रहें जो समाज को, हमारी सामाजिक ताना-बाना को तोड़ना चाहता है। आज हमने पुल का शिलान्यास किया, अनेक सड़कों का भी शिलान्यास हुआ और मुझे कहते हुए काफी खुशी हो रही है, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक, एक विकास की सोच के तहत हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण सरकार के समक्ष, चाहे वो पथ विभाग हो, चाहे ग्रामीण विकास विभाग की सड़कें हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, से लेकर समस्या लेके आती है। और ये मैं राज्य के लिए सुखद मानता हूं और हमारी सरकार अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि की अनुशंसा के आधार पर ही सरकार की योजना को स्वीकृति देती है। और उसी निमित्त वर्षों से इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मंत्री हमारे सरजू राय जी, इसके साथ साथ समाज के जो गणमान्य लोग, उसमें एक राजकुमार अग्रवाल जो समाज सेवी, उनकी भी सोच थी यहां एक पुल का निर्माण किया जाए ताकि ना सिर्फ किलोमीटर की दूरी हो, समय की भी बचत हो, क्योंकि आज समय काफी कीमती है। और इसको ध्यान में रखकर ही सरकार ने जो आज 255 करोड़ की लागत से 47 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास के साथ साथ एक फोर लेन पुल एवं एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचू और विधायक कुणाल सारंगी को नहीं बुलाने का विरोध कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने सुनारी मौनी बाबा मंदिर के पास हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री द्वारा 255 करोड़ की योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में क्षेत्र के राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचू और विधायक कुणाल सारंगी को नहीं बुलाए जाने का विरोध कर रहे जिले के कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर साक्षी थाना में डिटेन किया है। इनमें पूर्व जिला अध्यक्ष रविन्द्र झा उर्फ नट्टू झा, वर्तमान जिला अध्यक्ष विजय खां भी शामिल है। उन्होंने सरकारी तानाशाही के विरोध में सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। धान की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और विद्वेष की भावना को देखते हुए हमारे सांसद श्री प्रदीप बालमुचू जी का नाम इन्विटेशन से काट दिया। पिछले बार इन्होंने गलती मानी, हम लोग को लगा शायद गलती हुई होगी, टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा, लेकिन फिर जो भी कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में फिर से बालमुचू जी का नाम नहीं है और विधायक कुणाल सारंगी जी का नाम नहीं है, तो इससे पता चलता है कि ये सरकार जो है व्यक्तिगत तरीके से विद्वेष की भावना से रघुवर दास की सरकार विपक्ष को क्रैश करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी, हमारे नेता श्री नट्टू झा जी वहां पर अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गए थे
और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और अपने नेता और कार्यकर्ता के समर्थन में साक्षी थाना में उपस्थित। झारखंड सरकार के द्वारा, उनके मुखिया के द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। हमारे कांग्रेस के सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचू और जेएमएम के विधायक श्री कुणाल सारंगी जी का यह नोडल जिला है। आज जो आमंत्रित किया गया है इस शिलान्यास कार्यक्रम में, सिर्फ बीजेपी के सांसद और विधायक को आमंत्रित किया गया है। इसका मतलब हम लोग यह मानते हैं कि इस सरकार को लोकतंत्र पे कोई विश्वास नहीं है। यह सरकार जो है वो लोकतांत्रिक है, यह सरकार तानाशाही हो गई है। और लोकतंत्र जहां होता है वहां पक्ष और विपक्ष होता है। अगर पक्ष मजबूत होता है तभी सत्ता पक्ष के लोग अंकुश में रहते हैं। तो उस स्थिति में आज हम लोग इस शिलान्यास कार्यक्रम का विरोध दर्ज करवाने आए हैं। हम लोगों का यह मांग है कि सत्ता पक्ष वालों को विपक्ष को सम्मान देना होगा, लोकतंत्र को सम्मान देना होगा। ये प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है, रोड जाम किया जा रहा था और यातायात भी बाधित हो रहा था, उसी मद्देनजर इनको हटाया गया है। इनके द्वारा रोड जाम किया जा रहा था, पार्टी के कार्यकर्ता है उनके द्वारा यहाँ पे जाम किया जा रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर साक्षी में हुई चाकूबाजू की घटना में परवेज नामक युवक घायल हो गया है, उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। साक्षी दिल्ली दरबार के पास रविवार के सुबह आपसी विवाद को लेकर नौशाद नामक युवक ने परवेज नामक युवक पर भुजाली से हमला कर दिया। छीना छपटी में भुजाली परवेज की जांग में लगी। लोगों ने नौशाद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर एमजीएम में परवेज को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना क्या, हम उससे पूछने गए थे, अचानक ही काले और मारती। कौन था नौशाद नाम उसका? अच्छा, वो कहाँ रहता है? वो रहते 12 नंबर। अच्छा, क्या पूछने गया था? हम पूछने गए, हम बोले कहाँ पे कहाँ कोई काला अचानक मारती। टेम्पू वाले आपस में उलझ गए, उनका पारिवारिक विवाद था और भुजाली से पैर में चोट लगी है। मारने वाले नौशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और जख्मी का इलाज, परवेज का इलाज चल रहा है एमजीएम में। क्या कारण मान रहे थे? इनका पारिवारिक। शहर में रविवार को देशभर के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट जुटे। एक सेमिनार के तहत रेडियोलॉजी से जुड़े विभिन्न विषयों पर उन्होंने अनुभवों को साझा किया। रविवार को इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमर्जिंग एसोसिएशन जमशेदपुर चैप्टर के द्वारा सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में जाने माने रेडियोलॉजिस्ट ने भाग लिया। इस मौके पर पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर एस के झा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजी के क्षेत्र में नित नए बदलावों पर चर्चा के लिए सेमिनार का आयोजन होना अच्छी संकेत है। इस अवसर पर कोलकाता से आए जाने माने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज जैन ने भी सेमिनार में अपने अनुभवों को साझा किया। हर समय कुछ न कुछ चेंजेस होता है, तो जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको ये ड्यूटी बनता है कि वो उस चीज़ को जाने, लेकिन समय कम होता है तो जिस तरह से कॉन्फ्रेंस करके हम लोग अपने ज्ञान का जो भी न्यूअर डेवलपमेंट होता है अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे में बांटते हैं। और आजकल एक रेडियोलॉजिस्ट हमारी टीम की एक जिम्मेदारी होती है, कन्या भ्रूण हत्या जो होता है वो मेन चीज़ है जिसके प्रति हम लोग तो जागरूक हैं। इसके बहाने हम लोग चाहते हैं कि समाज भी जागरूक हो, जो अन्यथा इसका गलत यूटिलाइजेशन जो होता है वो सब रुके, ये हमारा मेन एम।